टेंथ क्लास में आने के बाद आपके सामने बहुत सारे सवाल होते हैं। सबसे पहले सवाल ये होता है कि आप बुक्स कौन से रेफर करें। वैसे तो पूरे मार्केट में बहुत सारे पब्लिकेशंस होते हैं, उनमें से आप टेंथ क्लास में बेस्ट पब्लिकेशन चुनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। तो इस वीडियो में मैं आपको उस बुक्स की अनबॉक्सिंग प्लस रिव्यू ये दिखाने वाला हूँ। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है वेदांत और आज के इस वीडियो में हम टेंथ क्लास के यूजफुल बुक्स के बारे में जानने वाले और उसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टेंथ क्लास में आपको लगेंगे एनसीईआरटी की बुक्स, ये तो सबको पता ही है, मगर उसके अलावा कौन से लेंगे ये सब बुक्स की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उधर से जाके आप सीधा अमेजोन या फ्लिपकार्ट से उसे डिलीवर कर सकते हैं। और ये है एनसीईआरटी बुक्स जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाई है, इसके अनबॉक्सिंग हम बाद में देखते हैं। ये तो बुक्स सब यूज करते हैं एनसीईआरटी के। तो हमारे जो मेन बुक्स हैं वो है ये, वो भी मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाई है। ये कौन सी बुक्स हैं आप ये मैं अनबॉक्स कर रहा हूँ, आप देख लो कौन सी बुक्स हैं ये। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहले है ये बुक मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर की है, जैसे कि मैंने आपको कह भी दिया है कि इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इस मासूम से बॉक्स को हम इन हथियारों की मदद से मार डालने वाले हैं, यानी कि उसको अनबॉक्स करने वाले हैं। तो चलिए इस प्रोसेस को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यही वो बुक्स है जो आपको टेंथ क्लास में टॉपर बना दे सकती है, और ये बुक्स आपको बहुत ही यूज़फुल हो सकती है। तो ये है ओसवाल सीबीएसई क्वेश्चन बैंक इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर की। तो आपको टेंथ क्लास में पूरे ओसवाल की ही बुक्स लगेंगे, उससे ज़्यादा आप कौन सी भी बुक्स रेफ़र मत करना। सिर्फ फिजिक्स के लिए आप कौन से एच सी वर्मा कर सकते हो रेफ़र, लेकिन बाकी की बुक्स आपकी मर्ज़ी पे है, मगर ये बुक्स आपको टेंथ क्लास में चाहिए ही चाहिए। तो ये हो गई हमारी पहली इंग्लिश की बुक। चलिए देखते हैं दूसरे ओसवाल की अनबॉक्सिंग, इसको रखते हैं साइड में। आगे अब आता है ये वाला, इसको करते हैं अभी अनबॉक्स। तो ये मेरे नाम का बिल, सीबीएसई क्वेश्चन बैंक सॉल्व पेपर 2012-19 क्लास 10 की मैथमेटिक्स की बुक है ये। और सेकंड है साइंस की ओसवाल, फिर थर्ड है सोशल साइंस की ओसवाल। तो आपको कंप्यूटर की भी ओसवाल लेनी होती है, मगर अभी अनअवेलेबल है इसलिए मैंने वो नहीं ली है। तो उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो ये सारे ओसवाल की बुक्स है जो आपको टेंथ क्लास में बहुत सारी हेल्प कर सकते हैं। और फिजिक्स के लिए एस सी वर्मा, उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये सारे बुक्स आपको रेफ़र करने हैं टेंथ क्लास के लिए। तो इसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे उन्होंने दिया है टॉपिक्स, ये सब देखते हैं। सिर्फ हम एक देखेंगे सोशल साइंस का, बाकी की उसमें भी वैसे सेम होता है। तो सब बाकी की बुक्स हम बाजू में रख देते हैं, ये इंग्लिश की, ये मैथ की, ये बाजू में, और ये साइंस की, ये भी साइड में कर देते हैं। अभी हम देखेंगे ये सोशल साइंस की बुक, इसमें कैसे कैसे कंटेंट आता है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। ये है आपके सामने वो बुक, और इस बुक का फर्स्ट पेज। तो देखते हैं अभी क्या क्या है। फर्स्ट पेज के बाद आपको इधर रेट्स दिखने लगेंगे क्लास 9, 10, 11, 12 के, जो आपको बुक्स लेने हैं। फिर आता है प्रीफेस, और इधर इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स के नाम। तो हम अभी मेन इस पे आते हैं, यानी कि कंटेंट पे आते हैं। इसमें क्या है, ये पूरे जो टेंथ क्लास के लेसन्स होते हैं इसमें पूरे स्टेप बाय स्टेप बता दिए हैं। तो ये कैसे किस तरह से बताइए हम देखते हैं अभी। ये है पेज नंबर, तो हम फर्स्ट लेसन देखते हैं, और इधर इसमें सॉल्व पेपर्स भी आती है। और ओसवाल की बुक्स की सबसे अच्छी बात, यानी कि ओसवाल के माइंड मैप्स,
ये माइंड मैप्स की वजह से वो सवाल बहुत ही फेमस है। इसकी इसको देखते आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते सिर्फ 5 या 10 मिनट में। तो अभी हम फर्स्ट हमारा ये पूरे माइंड मैप्स है, तो हम हमारा अभी फर्स्ट लेसन देखते हैं किस तरह से सॉल्व किया है। और इसकी और एक खास बात यानी कि जो कि टॉपर्स होते उन्होंने कैसे आंसर्स लिखे वो हमें आंसर इसमें बता देते हैं। जैसे कि आप इधर देख सकते हो टॉपर्स के आंसर इधर आपको क्लियरली बता दिए गए हैं। इधर है हमारा फर्स्ट चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये हमारा सिविक्स सोशल का फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का। तो इसमें किस तरह से इधर बताया है सब आपको दिखाता हूँ। पहले तो सिलेबस बताया गया है, फिर चैप्टर एनालिसिस, फिर टॉपिक, एक एक टॉपिक को आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दिया गया है। फिर इतने सारे इसके शॉर्ट पॉइंट्स, इसके आप इसे नोट्स कह सकते हैं, ये नोट्स के फॉर्म में सोशल का इधर बता दिया गया है। हर एक टर्म का मीनिंग होता है इधर, अगर आपको कुछ भी वर्ड नहीं समझ में आता है तो उस सिंपल वर्ड्स का भी मीनिंग इधर आपको बता दिया होता है। तो इस तरह से वो सवाल की बुक्स आप रिफ़र कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह के। और इसमें और एक खास बात होती कि शॉर्ट टाइप आंसर्स और लॉन्ग टाइप आंसर्स, ये पूरी तरह के आंसर्स आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स इसमें मिल जाते हैं। अगर आप उस सवाल का एक चैप्टर परफेक्ट लिख कर पाते हो तो आप उस चैप्टर में परफेक्ट हो जाते हो, दोबारा आपको देखने की उस चैप्टर को ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप उसे रिवाइज करना चाहिए। इधर है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। इस तरह के क्वेश्चंस हर एक सवाल में, हर एक सब्जेक्ट को सवाल में होती है, तो इसलिए आपको वो सवाल रेफर करनी चाहिए। और सबसे लास्ट में ये टू लर्न फ्रॉम वो सवाल कंसेप्ट वीडियोज, आप उसके वीडियोज़ भी देख सकते हैं। आपको इधर QR कोड दिया गया है या आप उसको लिंक इधर दे गई है, आपको वो लिंक क्रोम पे जाके पेस्ट करनी होती है देख के। तो इस तरह से कुछ ओसवाल की बुक्स होते हैं। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और साथ ही साथ हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स में मुझे हमें ज़रूर फॉलो कीजिए, और उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और साथ ही साथ आज के इस वीडियो बस इतना ही, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।